एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मैं आप लोगों की क्वेरी दूर करने के लिए आई हूँ। 11th वालों के लिए, 9th वालों के लिए, सबके लिए आज की स्पेशल वीडियो होने वाली है। और इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अब फॉर्म आने वाला है, फॉर्म आने में देर नहीं है, तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे क्या आप फॉर्म में फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं, तो ये वाली क्वेरी मैंने आपको लोगों की पूरी कर दी थी। अब मैं नेक्स्ट क्वेरी के साथ आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि 11th और 9th की एलिजिबिलिटी क्या होती है और बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो बच्चों देखिए, अगर क्लास 9 का पहले मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 41% आपको मार्क्स चाहिए होगा आपके 8th क्लास में, ठीक है। 8th क्लास का आपको 41% मार्क्स चाहिए होगा, इंग्लिश में 41% मार्क्स चाहिए होगा, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश का अगर एक बात करें तो इंग्लिश में आपको 41% चाहिए होगा, और ओवरऑल जो है पूरा आपका सब्जेक्ट को मिलाकर 41% होना चाहिए, तब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सुटेबल है, वरना आप नहीं है। और फिर उसके बाद 11th आर्ट्स का जो है आपका वो 41% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 41% होना चाहिए सेम। और 11th आर्ट्स वालों का, 11th कॉमर्स वालों का क्या है कि 51% आपका होना चाहिए। देखिए मैं ज़रूरी पॉइंट्स अब बताने वाली हूँ। 51% आपका होना चाहिए, बट ओवरऑल आपका 30% ओवरऑल नहीं, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ 51% की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपको 33% से कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपको 33 नंबर, जैसे कि अगर आप मैथ्स को उठा के देख लिए, जैसे आप साइंस को उठा के देख लिए, तो आपको 33 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, 33 या 33 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है हर एक सब्जेक्ट में, और आपका 51% ओवरऑल होना चाहिए। और फिर अगर हम 11th साइंस वालों की बात करें तो 61% ओवरऑल तो होगा, लेकिन 41% किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आपको 41 मार्क्स रहने चाहिए, 41 मार्क्स से ऊपर रहने चाहिए, 41 मार्क्स से नीचे नहीं रहना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और साथ ही साथ ये जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेंटेज जो है आपका वो कैलकुलेट होगा CBSE से, एज पर CBSE, ठीक है। आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, आपका CBSE से बेस्ड होकर कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखिए अब बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड वाले बच्चे डरे नहीं हैं, जो भी आप बोर्ड के हैं, आप गवर्नमेंट बोर्ड के, आप डरे नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि CBSE वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा या बोर्ड और गवर्नमेंट बोर्ड वाले को नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। CBSE का जो रूल होता है, जो भी रूल होता है उनका परसेंटेज का, वो परसेंटेज से कैलकुलेट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बिहार बोर्ड वालों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, बिहार बोर्ड वालों को भी दिया जगह, लेकिन ये होता है ना, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, मैं सब बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं पार्टिकुलरली या नहीं बोलेगी सिर्फ बिहार बोर्ड वालों को, बस मेरे मुंह से निकल गया बिहार, तो ऐसा मैं समझिएगा सिर्फ बिहार बोर्ड है, ठीक है। तो अब ये ऐसा होता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि बिहार बोर्ड का, अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि बिहार बोर्ड का कम या कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड हो, यूजुअली देखा गया है कि यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कि कम मार्क्स आ जाता है BSEB वालों का, बिहार बोर्ड वालों का, गवर्नमेंट बोर्ड वालों का कम मार्क्स आ जाता है, लेकिन CBSE वालों का उसके एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देता है, क्योंकि कुछ पेपर चेक करने में कुछ होता है या क्या, ये नहीं मुझे पता, लेकिन ऐसा होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं BSEB या मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मेरा कम मार्क्स भी आएगा, मेरा 70% भी आ रहा है, और CBSE का 80% भी आ रहा है, लेकिन 70% मेरा ज़्यादा 90% के बराबर है। तो ऐसा तो यहाँ पर जामिया ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगर आपका 80% आ रहा है CBSE से तो आपका 80% ही माना जाएगा, आपका बिहार बोर्ड से 70% आ रहा है तो आपका 70% ही माना जाएगा, ये नहीं कि आपका बिहार बोर्ड है तो आपको 70 से 90% मान लिया जाए उसको, ऐसा कतई नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बस लिखा हुआ। तो आई होप कि आप ये चीज़ क्लियर हो गए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, और आपको और क्या क्या क्वेरीज है वो बताएं, क्योंकि मैं सारी क्वेरीज आप लोगों की धीरे धीरे सॉल्व कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको हर दिन अप टू डेट रखती रहूँगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके फॉर्म से रिलेटेड हर चीज़। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी इसकी नीड होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।